हाँ तो वही कैसे हो सारे। सो फाइनली अपने हनी पाजी की ग्लोरी एल्बम से आज फोर्थ म्यूजिक वीडियो ड्रॉप हो चुकी है जिसका नाम है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ, जिसके बारे में अपन आज प्रॉपर बातचीत करेंगे। हाउ वाज द वीडियो एंड ट्रैक, अच्छा था या बुरा था। देखो किसी आर्टिस्ट के फैंस होते हैं दो तरीके के, एक तो होते हैं एकदम कट्टर वाले जिनको अगर अपने आर्टिस्ट की कोई चीज अच्छी नहीं भी लगती मन ही मन फिर भी वो हमेशा तारीफों के पुल बांधते हैं सबके सामने, और एक होते हैं जिनको बस गाने से मतलब होता है, अगर वो बुरा है तो वो बोल देंगे, अच्छा है तो वो भी बोल देंगे। और मैं हूँ थोड़ा डिफरेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। एक तो बहुत बड़ा कट्टर वाला फैन भी हूँ, इतना कि हनी पाजी का कोई अपोनेंट उनको उंगली करता है तो हाथ डालने की भी दम रखता हूँ विद फैक्ट्स। दूसरी साइड अगर हनी पाजी की मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती है वो भी मैं छाती ठोक के बोलने की दम रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तारीफों के पुल बांधूं और रीजन दूं कि अगर मैंने कुछ बोला तो इतने लोग मुझे देखते हैं फालतू में हनी पाजी को हेट मिलेगी, मैं ये सब साइड में रखता हूँ, लेकिन जो सच है वो बोलता हूँ। क्योंकि अगर हम जैसे फैंस ही शांत रहे ना तो आर्टिस्ट को कभी पता ही नहीं चलेगा कि भाई जनता सुनना क्या चाहती है। असली जज होते हैं भाई फैंस, और वही बताते हैं कि हमको ये सुनना है ये नहीं सुनना है, ये सही था ये गलत था, और वही देखकर आर्टिस्ट काम करता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। कहने का मतलब ये है, लास्ट में बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखो। पहले अपन बातचीत करते हैं सिर्फ ऑडियो ट्रैक के बारे में। So, जब ग्लोरी एल्बम ड्रॉप हुई ना, ये जो ट्रैक है इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा था आफ्टर मिलियनेयर, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक है जिसको मैं आज भी लूप पे चलाता हूँ। भाई तुम खुद सोचो ना, विदाउट वीडियो इसके व्यूज देखो यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स देखो, रील्स पे ये ट्रैक अलग ही लेवल पे फटा था, एंड स्टोरीज पे, मतलब ऑलरेडी ये जो ट्रैक है ना भाई ब्लॉकबस्टर हो चुका है। मतलब जनता ने इतना ज्यादा पसंद करा इस ट्रैक को कि लोगों ने ये सोच लिया था कि मिलियनेयर के बाद ना ये ग्लोरी एल्बम से सेकंड ट्रैक होगा जो मिलियनेयर को बीट कर देगा। भाई इतनी ज्यादा ग्रोथ भाई लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखी थी, लेकिन अब ये मुश्किल है जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा तुमको। सो ट्रैक की जो बीट प्रोड्यूस करी है भाई ओजी प्रोड्यूसर अपने हनी पाजी ने करी है, और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कभी किसी ने कमी निकाली हो हनी पाजी की बीट्स की, क्योंकि उनका जो बीट्स में हाथ है ना भाई वो किसी का नहीं है इंडियन म्यूजिक सीन में आज भी, जो हनी पाजी बीट प्रोड्यूस करते हैं। भाई सब क्या ही पियानो प्ले कराया पाजी ने, ऊपर से वो ड्रम्स भाई गूज़बम्स आते हैं। ये जो ट्रैक है ना फुल गैंगस्टर वाइब देता है, ऊपर से इस बीट पे हनी पाजी के वोकल्स, भाई साहब क्या ही वजन है भाई उनकी आवाज में। मतलब एक गैंगस्टर ट्रैक में जो चीजें चाहिए होती है ना वो इस ट्रैक में है भाई, जो पाजी ने डिलीवर करी है हम सभी को। लिरिकली तो भाई बिग शाउट आउट टू लियो ग्रेवाल पाजी, क्योंकि उन्हीं ने लिखा है ट्रैक को, और भाई साहब क्या ही तगड़े तगड़े वार्स फेंके हैं उन्होंने। तुमको पता है ना इस ट्रैक में हनी पाजी ने अपने कुछ कुत्तों को भी पेला है, लाइक जियान और गिरफ्तार, तुम ये चेक करो। ओही ओही यार बस कर गे गद्दारी जिना जिना चुप मेरी आज भी सताउंदी ओना नू याद मेरी कर दे या फिर दे ग्रुप बाजियां चढ़ाई मेरी आज भी तपाउंदी ओना नू। बाकी मिक्स एंड मास्टर कराया होमी दिल्ली वाला एंड विनोद वर्मा ने, बहुत ही तगड़े लेवल का काम कराया, बहुत क्लीन वोकल्स निकल के आ रहे हैं, अच्छा टेक्सचर आ रहा है। ओवरऑल ये जो पूरा ऑडियो है ना भाई, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि काश इसके म्यूजिक वीडियो ना ही निकालते तो ज्यादा बेटर था। भाई साहब ये बहुत ही तगड़ा ट्रैक है, हनी पाजी ने जो चीज डिलीवर करी है ना हमको, उनके जो वोकल्स, जो वजनदारी दिख रही है भाई उनकी आवाज में, और जो लिरिक्स है भाई इतने टॉप नॉच, फुल गैंगस्टर वाली बातचीत हो रही है, रिच लाइफ वाली बातचीत हो रही है, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप जो गैंगस्टर फील होती है वो देखने को मिल रही है। सो ट्रैक तो भाई 10 आउट ऑफ 10 है ये। तुम ऑडियो ट्रैक को बताओ कितना रेट करोगे, वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ ऑडियो। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजुअल्स। पूरी म्यूजिक वीडियो में सबसे अच्छा जो प्यारा शॉट था वो ये था। इस शॉट के अलावा ना भाई पूरी म्यूजिक वीडियो में मुझे कुछ ऐसा यूनिक नहीं दिखा जिससे भाई ये निकले वाओ व्हाट अ सीन, ऐसा कोई वाओ मोमेंट देखने को नहीं मिला। म्यूजिक वीडियो का कॉन्सेप्ट भाई ऐसी काफी वीडियोस देख चुके हैं अपन पहले भी, मे बी हनी पाजी ने पीकी ब्लाइंडर्स मूवी से इंस्पिरेशन ली हो, क्योंकि तुम थीम देखोगे ना डार्क प्लस गोल्डन का ब्लेंड करके दी गई है, कॉस्ट्यूम्स भी देखोगे तो वही पीकी ब्लाइंडर्स के टाइप के हैं। मतलब हनी पाजी ने जो है 80s 90s के जो गैंगस्टर्स हुआ करते थे, जिनके पास काफी पैसा हुआ करता था, वो एक छोटी सी शॉर्ट मूवी में दिखाने की कोशिश करी है, वैसा कुछ उनका कॉन्सेप्ट था।
अगर कंपेयर करा जाए अदर आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियो से लाइक जियान, तो उनके हिसाब से तो ये म्यूजिक वीडियो टॉप पे रहेगी। बट बात तो हो रही है हनी बाजी की खुद के वीडियो से कंपटीशन की ना भाई, वहां पे ये बहुत ज्यादा डल है, ये उनके लेवल की है ही नहीं भाई। पूरी म्यूजिक वीडियो में हनी बाजी ने लिप सिंक तक नहीं करी यार, रैप पार्ट में तो करनी चाहिए थी, क्योंकि रैप में क्या बातचीत हो रही है, वो अपने ऑप्स को जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। तो हनी बाजी अगर लिप सिंक करते तो भाई ज्यादा फर्क पड़ता, फील होता कि हनी बाजी जवाब आप दे रहे हैं। लेकिन यहां क्या चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी रैंडम मूवी का एक क्लिप उठा लिया है और उसको म्यूट कर दिया है, उसमें कुछ और ही बातचीत हो रही थी, उसको म्यूट कर दिया और हनी बाजी का जट महकमा ट्रैक बैकग्राउंड में लगा दिया एडिटर ने, दैट्स इट, जिसकी वजह से फील पूरा खत्म हो गया। ऊपर से हनी बाजी का एटीट्यूड भाई वो खत्म था यार, एटीट्यूड दिखा ही नहीं पूरे म्यूजिक वीडियो में, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये बंदा है जो कि माफिया है, जो राजा है भाई, जो सबको उंगलियों पे नचाता है, वो एटीट्यूड वगैरह कुछ फील नहीं हुआ भाई। तुम ये वाला शॉट चेक करो जहां पे हनी बाजी को सेंटर में बैठना चाहिए था, नहीं वो साइड में बैठे हैं जैसे सभी लोग बैठे हैं उनके भाई लोग, लेकिन उनका एक और जो फ्रेंड है उसको सेंटर में बिठा दिया बाजी ने, भाई कैसे फील आएगी गैंगस्टर वाली। ऊपर से भाई वीडियो की एडिटिंग भी फुद्दू है, कुल मिला के ना भाई मैच नहीं हो रहा ट्रैक म्यूजिक वीडियो से, बात बस इतनी है। आई नो हनी बाजी ने एज अ डेब्यू डायरेक्टर फर्स्ट टाइम भाई इस वीडियो को डायरेक्ट करा है, गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से इंसान ही है, लेकिन भाई बस इतना बोलना चाहता हूं हनी बाजी को ना जट महकमा ट्रैक छोड़ के एल्बम से कोई भी ट्रैक उठा लेते और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते तो चल जाता, लेकिन ये ट्रैक नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि ये जो ट्रैक है इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल था, मैं तो मिलियनर से भी ऊपर इस ट्रैक को समझता हूं भाई, क्योंकि ये ट्रैक ऑलरेडी विदाउट वीडियो फट चुका था भाई हर जगह पे, और सोचा ये था कि वीडियो आएगी ना तो और कितने चार्ट्स फाड़ेगा ये ट्रैक, मिलियनर को तो ऐसे ही बीट करेगा, ये मैंने सोचा था और मैंने ही नहीं काफी लोगों ने यही सोचा था। मेरे ख्याल से तो ना भाई इस ट्रैक को जस्टिस बस दो ही डायरेक्टर्स दे सकते थे, एक तो हो गए तेजी संधू और दूसरे हो गए रूबल जीटीआर। सिद्धू मूसेवाला की जो मोस्ट ऑफ दी वीडियोस है ना भाई, इन दोनों ही डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट करी हैं, जो कि भाई होती थी खतरनाक, वो इंटरनेशनल फील होती थी, बातें तो देसी हुआ करती थी, लेकिन वो लोग ना भाई क्या ही प्रोफेशनली शूट करते थे। ऊपर से ये लोग इंडिया में ही शूट करते थे भाई, पंजाब में, क्या ही खतरनाक लेवल के विजुअल्स दिखाते थे। अरे भाई हनी बाजी के पुराने ही ट्रैक्स उठा लो, चस्का, गोलियां, यार वथेरे, खून विच गर्मी, रात जिशन दी, ये सभी गैंगस्टर ट्रैक्स भाई, क्या ही फील है भाई इन ट्रैक्स में, लगता था यार कि हाँ भाई गैंगस्टर वाली बातचीत है। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, जब ये ट्रैक तुम लोग सुनते थे तो क्या इमेजिनेशन होती थी, इसके विजुअल्स तुमको कैसे दिखते थे। मैं बताता हूँ मैं क्या फील करता था, सोचता था कि हनी बाजी ना इसको इंडिया में शूट करेंगे, वो भी पंजाब में, खेतों के बीच उनका एक बहुत बड़ा घर होगा और घर पर उनके सारे भाई लोग जैसे इसमें दिखे हैं ब्रदरहुड, वो सारे के सारे साथ में होंगे, हनी बाजी भाई उनके साथ बैठे हैं, गनमैन्स हैं आसपास, ट्रैक्टर्स हैं भाई, ट्रैक्टर्स पे ड्रिफ्ट हो रही है, हनी बाजी कुर्ता पजामा में हैं, फुल गैंगस्टर दिख रहे हैं, कार्स की ड्रिफ्ट चल रही है हनी बाजी के घर के पास, खेतों में ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, गैंग वॉर वाली बातचीत हो रही है, फुल लेविश लाइफ दिखती एकदम देसी तरीके से, लाइक पाजी के जो चेले चपाटे होते भाई वो लोग बंडाना स्कार्फ बांधे हुए उनके साइड में खड़े होते, गन्स उनके हाथों में होती, ऐसा कुछ इमेजिनेशन वाला ट्रैक था ये, जो पाजी की साइड से डिलीवर नहीं हुआ वीडियो के हिसाब से। ऊपर से एक और डिसअपॉइंटिंग वाली चीज हुई है भाई, लियो ग्रेवाल पाजी जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उन्हीं को वीडियो में फीचर नहीं करा, जिन्होंने भाई गाने के लिरिक्स लिखे हैं, चलो हो सकता है वो पर्सनल हो क्योंकि वो उस टाइम पे बिजी हो, हनी पाजी के साथ ना हो, लेकिन उनको तो यार लेना चाहिए था। बाकी हाँ, तुमको अगर समझ आया है या फिर नहीं, हनी पाजी ने हम सभी यो आर्मी को भी रिप्रेजेंट करा है, शाउट आउट दिया है, अगर तुमने ये वाला शॉट देखा है तो, जब महवी शहजाद गन खींच के सामने खड़ी हो जाती है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे आते हैं भाई गन्स के साथ में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब यही है कि हनी बाजी के सामने जब कोई और दूसरा आर्टिस्ट आता है ना और उन पे उंगली उठाता है तो हनी बाजी के फैंस सबसे पहले आगे होते हैं और वो भाई बुंड फाड़ देते हैं, जो हनी बाजी को प्रोटेक्ट करती है, यही कॉन्सेप्ट है जो यो आर्मी को दिखाया गया है। कुल मिला के मेरे ओपिनियन में भाई जट महकमा ट्रैक को जस्टिस नहीं मिला वीडियो के हिसाब से, जो चीज दिखानी चाहिए थी, मतलब जो ट्रैक में बातचीत हो रही है वो वीडियो में दिख ही नहीं रही है, कुछ अलग ही चल रहा है भाई। मुझे इस ट्रैक से काफी
ज्यादा होप थी। ऊपर से भाई टी सीरीज अलग फुद्दूगिरी कर रहा है भाई साहब। इन्होंने थंबनेल देखा है क्या लगाया है ये थंबनेल ना भाई, 70% रीच तो पहले ही गिरा चुका है, क्योंकि हनी पाजी की इसमें फोटो तक यूज नहीं करी। लोग ना भाई कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, लोग देखते हैं फोटो और उसकी वजह से क्लिक करते हैं वीडियो पे। 70% रीच तो भाई इसी थंबनेल की वजह से चली गई ट्रैक की। भाई वीडियो के हिसाब से ना मिलियनेयर के बाद मुझे इस ट्रैक से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन भाई वो खरी नहीं उतरी। इसके अलावा जो अगला ट्रैक है पायल, भाई वो भी ऐसे ही डिसअपॉइंट करेगा मे बी, क्योंकि मिहिर गुलाटी शूट करने वाले हैं और उनका डायरेक्शन देखो भाई बुरी लगने वाली बात नहीं है, अदर आर्टिस्ट के लिए वो ठीक है, लेकिन हनी पाजी के ट्रैक्स के लिए वो जस्टिस नहीं दे पाते हैं, इतना तगड़ा शूट नहीं कर पाते हैं जो भाई इंटरनेशनल वाइब दे सके। बात बस इतनी सी है। अब मुझे जो लास्ट होप है भाई वो है मुझे कैलियांते ट्रैक से, क्योंकि पाजी ने कहा था ब्राजील में शूट करेंगे और उसके जो विजुअल्स हैं भाई मेरे दिमाग में चलते हैं। अभी भी मैं सोचता हूं बस पाजी तगड़ा से डायरेक्टर उठा लें लाइक तेजी संधु रूपन बल उस ट्रैक के लिए, तो भाई जस्टिस मिल जाएगी। बाकी तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्या है भाई कमेंट्स में अपना ओपिनियन दो, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, तुमको गाली बकना है गाली दो, जो बोलना है बोलो। भाई मुझे जो सही लगा मैंने बोला, हनी पाजी का फैन हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तारीफें करूं भाई, बुरा लगता है। पाजी अगर कुछ गलत करेंगे तो हम ही लोगों को बताना पड़ेगा ताकि आगे वो सुधारें, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो जितने भी हनी पाजी के हेटर्स हैं वो भाई हमेशा कमबैक ही चिल्लाते रहेंगे और पाजी को हेट देते रहेंगे। बात बस इतनी सी है, तो थोड़ा समझो भाई लॉजिकली बातचीत करना। हाँ बाकी महवेश हयात जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उन्होंने एज अ मॉडल फीचर करा इस ट्रैक में और इनका हनी पाजी के साथ में कोलैबोरेशन भी हो चुका है जो कि अपन को जल्दी देखने को मिलेगा। ये सिंगर भी है भाई साहब, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो इस म्यूजिक वीडियो में। एक बात तो है हनी पाजी की जो वीडियोस होती है ना भाई उसमें मॉडल्स बहुत ही ज्यादा प्यारी होती हैं। चलो बाकी तुम कितना रेट करोगे यार इस वीडियो को, ट्रैक को तो मुझे पता है 10/10 दोगे, बाकी वीडियो के बारे में बताओ। लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।